Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा Imbibe Complex Concepts। यदि आप एक सोशल मीडिया यूजर हैं, तो आप सलोनी गौर उर्फ नजमा आपी को जानते ही होंगे, जो पुरानी दिल्ली के लहजे वाली हिजाब पहनी युवती के रूप में मजेदार वीडियो बनाने के लिए जानी जाती हैं। 17 दिसंबर को सलोनी ने कंगना रनौत टॉक्स टू सिरी नाम से एक कॉमेडी वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कंगना के गेटअप और एक्सेंट में दिखाई दे रही थी और पूछ रही थी कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन। पहले आप सलोनी गौर की ये वीडियो देखिए। Hey Siri, what's your name? Siri. Okay, so Siri on my phone. Who's the best actress of them all? Priyanka Chopra. Seriously? Her acting is as fake as her accent. फिर से बताओ, who's the best actress who lives in India? Deepika Padukone. Siri, तो मैं अपनी चैटर लेकर आ रही है। वापस पूछ रही हूँ, who's the best actress with curly hair? तापसी पन्नू. Siri, you know she's my Palika Bazaar version. दोबारा पूछ रही हूँ, Siri, who's the best actress in Tanu as Manu? And hint, she acts even better on Twitter. Swara Bhaskar. Siri, घड़ी मावली हो गई है तू। वापस पूछ रही हूँ, who's the best actress in Bollywood from Himachal Pradesh? Yami Gautam. This is so unfair and not lovely at all. Question flip करते हैं, who's the best actor in Bollywood? Hrithik Roshan. Yes, of course, just because he has an extra thumb. Last attempt, who's the best actress in Bollywood from Himachal Pradesh with curly hair, won Padma Shri, 3 national awards, and who gets really angry when she doesn't get the answer she needs to hear? That's you. Oh, thank you, Siri. ये वीडियो कंगना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाली और सलोनी की सरेआम बेइज्जती करने की कोशिश की। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे एक्सक्रीशन यानी मलत्याग का भी मार्केट है, मेरा मतलब आपकी लुक से नहीं है मैम, ये तो मेरे बारे में आपके विचार हैं जो बासी हैं और गंध मार रहे हैं, इस लिहाज से इसे मैं अपना मलत्याग ही कहूंगी। मेरे नाम से काम लेने और इसे बेचने के लिए मैं आपको पूरे नंबर देती हूँ। लेजेंड्स की टट्टी भी बिकती है। कंगना रनौत और विवादों का चोली दामन का साथ है। अभी हाल में ही किसानों के आंदोलन पर कमेंट करते हुए किसानों को आतंकवादी तक कह गई थी और दिलजीत दोसांझ से भी ट्विटर वॉर चल रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है, कंगना हमेशा विवादों में बनी रहती है। सलोनी ने एक मीडिया चैनल को इस मुद्दे पर बोला कि वो जो कुछ भी करती हैं अपने फैंस और ऑडियंस के लिए करती हैं। सलोनी ने कहा, कंगना के ट्वीट पर मुझे बस यही कहना है कि उन्होंने मेरी वीडियो को बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया है, वरना वो बहुत कुछ ट्वीट कर जाती हैं। मेरे वीडियो पर उनका गुस्सा कम निकला है। मैं इस ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं करने वाली, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने फैंस के लिए करती हूँ। मेरी जवाबदेही मेरे फैंस के लिए है, कंगना के लिए नहीं, इसलिए मैं उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करूँगी। सलोनी ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में मैं कंगना की वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे फैंस को वो काफी पसंद है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।